संगीत के सभी श्रोताओं को मेरे कमेंटर्स व्यूवर्स एंड सब्सक्राइब्स को एलआर बबलू का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आज ढोलक के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एल आर बबलू म्यूजिक सीरीज अलग अलग वाद्य यंत्रों का लर्निंग पार्ट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें पहले हारमोनियम, ढोलक, तबला, गिटार, मैंडोलियन, फ्लूट, मेलोडिका, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम आपको सिखाते रहे हैं। आज ढोलक के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने ये सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे एल आर बबलू म्यूजिक सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक भी कीजिए। सेकंड पार्ट में हम आपको बता रहे हैं कि आप पिछले एपिसोड में हमने आपको ताल कहरवा के बारे में बताया, और अब हम आपको ताल कहरवे की वेरिएशंस, कितने प्रकार से कहरवा बजता है ढोलक पे। आपको मैंने 8 बोल दिए थे, धा गे ना तिन ना के धिन ना। अब आपको ये धा गे ना तिन ना के धिन ना, धा गे ना तिन ना के धिन ना, ये आपको एक वेरिएशन सिखाई थी। सेकंड वेरिएशन क्या है? तिंता 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 ता तिंता 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 धिन तनक धिंता धिन तनक धिंता धिन तनक धिंता धिन। अब देखिए, धिंता धिन तनक इसको हम तीनों लय में बजा सकते हैं। फास्ट में, अब इसमें वेरिएशन अलग से ले सकते हैं हम लोग। तीन चार वेरिएशन आपको बता दिए। एक वेरिएशन ये भी है, ता 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 त्रिकृत तक ता त्रिकृत तक ता त्रिकृत तक ता त्रिकृत तक ता 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 ता। अब ये कुछ तिहाई भी दे रहे हैं, ता त्रिकुट ता त्रिकुट ता ता धा धाति धा धाति धा। ता त्रिकुट आपको बता रखा है, ता त्रिकुट धाति धा धाति धा धाति धा। ये उठान में भी काम आती है, और लास्ट में जब एंडिंग करते हैं, बीच का तो पिक आपको बता रखा है, ता 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 ता, ये बताया आपको, ये तो लगेगा ही। एंडिंग धन धन धा, ये एंड में है, ठीक है। ये एंड जब करते हैं किसी भी भजन का, गीत का, तो इसमें लास्ट में बजाते हैं। आपकी जो ये जो उंगलियों का रख रखाव आपने अच्छी तरह से कर लिया, तो अब नेक्स्ट आपको मैं ताल दादरा दे रहा हूं। दादरा में 6 काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6, धा धिन ना धा धिन ना धा धिन ना। अब धा में धा धिन ना धा तिन ना धा धिन। अब देखिए, धा धिन ना धा धिन ना, तिन आपको बताया था ना,
उंगली बाउंस करना है, दबा के नहीं रखना इसको आप। हा दिन हा दिन हा दिन हा दिन ना दा। बहुत से गाने ऐसे हैं जिसमें ये बजते, जैसे एक हम प्रेयर लेते हैं, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, धा दिन ना धा, मन का विश्वास कमजोर होना। दादरा ताल, ये दादरा ताल को हम दुगुन में बजाएंगे तो किसी भी भजन के बीच में, आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसी लगी लगन धा दिन ना धा दिन ना धा दिन ना धा दिन ना धा, सुनो धा दिन ना धा दिन। अब फास्ट बजाएंगे तो ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी मैं तू। ये जो दादरा ताल का डबल बहुत से गानों में बजता है, सिंगल बजता है। पान खाए सैया मारा, ये थाप भी आपको मैंने बताया, आप ये भी थाप लगा सकते हो। वेरिएशन काफी है इसकी भी, आप लोग अलग अलग वेरिएशन से प्ले कर सकते हो। अलग अलग वेरिएशंस ताल दादरा का। और नेक्स्ट कैरवा हुआ, दादरा हुआ, एक ताल आपको हम सात मात्रा का रूपक सिखा रहे हैं। स्टार्टिंग खाली से तिन तिन ना धिन ना धिन ना, एक ये सात मात्रा का रूपक ताल ऐसा है जिसमें दो विभाग होते हैं। ताल कैरवे में भी दो विभाग होते हैं चार चार मात्राओं के, दादरा में छह मात्राओं का, तीन तीन मात्राओं का दो विभाग होते हैं, और रूपक में फर्स्ट तीन मात्रा का सेकंड विभाग पार्टीशन किया जाता है, इसको विभाग जैसे बोलते हैं हम लोग, तो सेकंड पार्टीशन फोर काउंटिंग का है। जैसे तीन तीन ना धिन ना धिन ना, तीन तीन ना धिन ना धिन ना, तीन तीन ना। सेकंड वेरिएशन का क्या है, धी धी ना ना, तीन तीन ना ना, तीन तीन ना ना, धी धी ना ना, तीन तीन ना ना, धी धी ना ना। ये बहुत से भजनों में, गीत में, गजल में बजता है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, निका फिल्म का गुलाम अली साहब का गाया हुआ, इसमें रूपक ताल बजती है। रूपक ताल आपको एक भजन बता रहा हूँ, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय धारण, ये इसमें भी रूपक ताल का प्रयोग होता है। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय धारण, सॉरी दीदी नाना दीदी नाना तीन तीन नाना, ये रूपक ताल। इसमें दादरा, रूपक और कहरवे में हम नेक्स्ट एपिसोड में इसकी लग्गियां बताएंगे आपको, गीत में कैसे इसमें लग्गियां लगाएं, कैसे टुकड़े बजाएं इसके अंदर, कैसे तिहाई लगाई जाती है। रूपक की तिहाई बहुत मुश्किल है, ये वेरिएशन आपको आगे रिदम का जो सेक्शन है वो आपको समझाएंगे, कैसे लगियां, कैसे टुकड़े, कैसे परण, कैसे उसमें तोड़े लगाए जाते हैं, उठान कैसे की जाती है, ये आगे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और मेरे दोस्तों, जितने भी आप लोग सीख रहे हो, आप लोग इसको शेयरिंग भी किया करो, जिससे आगे दूसरे भी लर्नर्स सीख सके। और प्लीज़, जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल L.R.babloo म्यूजिक सीरीज़ को, अवश्य आप करिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम
आपको कुछ आगे और बहुत कुछ सिखाएंगे, सिखाते ही रहेंगे।